हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, शेयर एक एक दिन में भाग रहा है कितना, 500-500%, और 13 दिन में लगभग 32,229 32,229% के रिटर्न दे चुका है। एज वेल एज एक ऐसी फिनटेक ब्रोकरेज कंपनी जिसने 23% स्टाफ को, लगभग 729 एम्प्लॉइज को यहाँ पर निकाल दिया है। तो ऐसी न्यूज से रिलेटेड आज वाकिफ होंगे, जानेंगे, और इससे हमें मार्केट के बारे में पता चलेगी, क्या रिसेशन आ गया उससे रिलेटेड बातें पता चलेगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, एज वेल एज नीचे दूसरा हमारा चैनल है उसे भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नितेश कुमार के नाम से है। और यहाँ पर मार्केट कल कैसी रहेगी, यहाँ पर एक्सपायरी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनटेक ब्रोकरेज कंपनी जिसने 23% स्टाफ को यहाँ पर फायर कर दिया है। जिस कंपनी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है रॉबिनहुड। रॉबिनहुड एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेनर की कंपनी है, ओके। एज वेल एज यहाँ पर बात करें कंपनी क्या करती है, ऑब्वियसली बात है ब्रोकरेज कंपनी है, तो इन्वेस्ट, क्रिप्टो, कार्ड, कैश कार्ड आदि से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ओके। और ये कंपनी क्या इंडिया में है, नहीं, तो ये कंपनी इंडिया में नहीं है, ये कंपनी है यूएस में, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शेयर लगभग 75% यहाँ पर तब से डाउन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ये आईपीओ अभी आया था, आईपीओ के सीजन में जैसे इंडिया में आया था, उसके बाद से देखेंगे तो ये शेयर लगभग लगभग कितना 83% मोर देन 80% अभी तक डाउन चल रहा है। $55 तक ये गया, उसके बाद अभी देखिए तो लगभग $9 यहाँ पर ये शेयर रह चुका है। तो इसके पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे की वजह जानेंगे, तो यहाँ पर पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी रॉबिनहुड है, ओके। और करती क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, कंपनी अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, हेडक्वार्टर इन मेनलो पार्क। तो ये जो एक्सचेंज ट्रेड, एक्सचेंजेस, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर देखेंगे बैजू भट्ट, ओके, जो कि इंडियन एंटरप्रेनर है, यहाँ पर ये अमेरिकन एंटरप्रेनर है, तो ये इनकी कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंपनी किस में भी काम करती है, ये करती है क्रिप्टो करेंसी में। और आपने देखा था कि अभी क्रिप्टो करेंसी का हाल क्या हुआ था, ओके। तो क्रिप्टो करेंसी के हाल की वजह से इस कंपनी का भी हाल बेहाल हो गया, और अगर हम देखें तो लगभग 23% इसने अपने स्टाफ को यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे रॉबिनहुड कटिंग अबाउट 23% ऑफ जॉब्स, रिलीज सेकंड क्वार्टर अर्निंग। तो इसकी यहाँ पर क्या आती हुई दिखाई दी है, यहाँ पर इसकी अर्निंग आती हुई दिखाई दी है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 44% यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो इसकी वजह, और उन्होंने अपने जो क्वार्टर है उसमें यहाँ पर 23% जॉब्स यहाँ पर लोगों को निकाल दिया है, और इसके अलावा इन पे $30 मिलियन का यहाँ पर फाइन भी लगता हुआ नजर आया है, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेशन ने यहाँ पर इन्हें भारी भरकम यहाँ पर फाइन लगाते हुए नजर आया है। तो 713 एम्प्लॉइज को यहाँ पर, 723 बोला था, 713 एम्प्लॉइज को यहाँ पर इन्होंने निकाला है। और इसके अलावा ये यहाँ पर फंड भी, तो इसलिए ऐसी कंपनी जो यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड काम कर रही है, ओके, उससे थोड़ा सा दूर रहिए, ओके। क्रिप्टो की वजह से ही यहाँ पर कुछ कंपनीज में घाटा हुआ है, और न्यू एज कंपनी जहाँ पर कुछ ना पता चले, ऐसी कंपनी से दूर रहिए जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, ऐसी कंपनी से दूर रहिए। तो क्या रिसेशन आ गया है, तो यहाँ रिसेशन नहीं आया, जस्ट बिकॉज कंपनी को लॉसेस होते जा रहे हैं, कंपनी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फाइन भी लगता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी का अर्निंग अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 23% इन्होंने रिटेल ट्रेडिंग को यहाँ पर निकाल दिया, और एक तरीके से इनका जो बबल था वो यहाँ पर फटता हुआ नजर आया, बस तोड़ता हुआ नजर आया। तो इसलिए आपको ऐसी कंपनीज में एक तो इन्वेस्ट नहीं करना, और रिसेशन की बात की जाए तो ऐसा कोई रिसेशन आया नहीं है, इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट अगर हम बात करें। तो ये होगी रॉबिनहुड के रिलेटेड। अब बात करते हैं एक ऐसे शेयर जिसने यहाँ पर हर दिन 500% के लगभग भाग रहा है, और 13 दिन उसकी पेरेंट कंपनी 500%, और ये शेयर 200%, 150% ऐसे भागता हुआ नजर आ रहा है, और 13 दिन में लगभग 32,229% के रिटर्न दे दिए। तो कौन सी कंपनी है, तो इस कंपनी का नाम है AMTD डिजिटल INC। तो देखिए अभी इसका IPO आता हुआ दिखाई दिया, आप यहाँ पर देखेंगे लगभग $14 के आसपास इसका एक IPO आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से ये लगातार देखिए यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 136%, 28%,
ओके 35% यहाँ पर गिरा भी था, 134% भागा, फिर यहाँ पर ये बात करें 29 जुलाई को 122% भागा, फिर 85% भागा 1 अगस्त को, और अभी बात करें 2 अगस्त को, तो यहाँ पर ये कितना भागता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ओवरऑल ये यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा कि ये कितना परसेंट यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये शेयर लगभग 300 लगभग 284% यहाँ पर शेयर ये भागता हुआ नजर आया था, और उसके बाद गिर के ऊपर 126% पे आके रह गया। तो ऐसी कंपनी देखिए, कंपनी कौन सी है उससे रिलेटेड बात करेंगे, एमटीडी डिजिटल, और इसी ये किसकी इसकी पेरेंट कंपनी है, एएमटीडी। अगर मैं निकाल लूं तो यहाँ पर आइडिया ग्रुप है जो मैं बात कर रहा हूँ, 500% यहाँ पर भाग रहा है। तो ये शेयर देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 200 सीधे, तो 12-13 डॉलर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, पैसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। तो एक तरीके से ये यहाँ पर क्या है, बबल है। ओके, तो ऐसी कंपनी से भी हमें हमेशा दूर रहना चाहिए पहली बात। और कंपनी करती क्या है, और कंपनी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इनके जो स्टाफ है, जो इनकी कंपनी है, जो कंपनी कौन सी है, चाइनीज कंपनी है ये, यहाँ पर आप पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी विच इंगेज इन द डेवलपिंग ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन एप्लीकेशन अंडर एएमटीडी स्पाइडर नेट प्लेटफॉर्म और मेटावर्स में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है स्पाइडर नेट इकोसिस्टम जो ये बनाती हुई दिखाई देती है, चाइनीज कंपनी है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी में अच्छा खासा ये शेयर भागते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कंपनी भी कह रही है कि हमें नहीं पता भाई क्यों भाग रहा है, शेयर्स ऑफ अ चाइनीज टेक फर्म, तो ये चाइनीज टेक फर्म है, आर मोर देन अप 32,000+ सिंस इट्स आईपीओ। तो इसका आईपीओ आया था वहां से 32,000+ यहाँ पर ये शेयर भाग चुका है। यहाँ पर आप पता करेंगे तो यहाँ पर वेल मोर देन वैल्यूएशन यहाँ पर हो गया, और जब ऐसी कंपनी इट्स पेरेंट कंपनी का जो शेयर है लगभग 500% यहाँ पर ट्यूजडे मतलब कल भागता हुआ दिखाई दिया था ट्यूजडे को, और यहाँ पर इनके जो प्रमोटर्स है उन्हें खुद नहीं पता कि ये शेयर क्यों भाग रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर इंडियन मार्केट में नहीं, यहाँ पर हर जगह रहते हैं, तो इस चीज को हमें याद रखना है। तो ऐसी कंपनी से अगर इंडिया में भी आती है और इस तरीके के अगर रिटर्न मिल जाते हैं, चुपचाप निकल करने की कोशिश करें। हमारे में तो चलो रेगुलेटर है जो कि यहाँ पर 20% का अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट, इसके अलावा 10% 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है, बट यहाँ पर बात करें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई यहाँ पर ऐसा कोई सर्किट नहीं है का जो नियम है ऐसा नहीं लगा रखा है इन्होंने, और शेयर देखिए कितना कितना भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे शेयर से भी हमें क्या रहना है, दूर रहना है अगर ऐसे शेयर इंडियन मार्केट में आते हैं। बट बेहतरीन कंपनी है तो कोशिश करेंगे नीचे से लेने की, ना कि ऊपर के लेवल पे फंसने की। अब देखिए जो लोग यहाँ पर फंसे होंगे $2,500 पे, तो उनका रिकवर होना तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो 5-10 साल से पहले यहाँ पर रिकवर भी हो रहा है, और तब जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अदरवाइज कंपनी के शेयर यहाँ पर एक तरीके से ये लोग फंसते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, अगर आप हमसे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और दूसरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।